बात बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए विकल्प बनने और बनाने की होती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी के चुनावी माहौल को देखना जरूरी है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला, सिर्फ 3 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव लड़ने में ताकत झोंके हुए है। पंजाब में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जीतकर पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के अभियान में लग गई हैं और तब चर्चा छिड़ी है कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल हो रहा है, यूपीए के खत्म होने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालत जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लाई बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है, इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। ममता बनर्जी की ताकत और कांग्रेस की ताकत की तुलना करें तो पता चलता है कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। टीएमसी को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से ही निकलकर 23 साल पहले बनाया। संसद के दोनों सदनों में भी कांग्रेस के कुल 89 सांसद हैं। ममता की पार्टी टीएमसी के 36। देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस का संगठन फैला है। टीएमसी देश में अपना संगठन फैलाने में जुटी है। कांग्रेस और टीएमसी में फर्क अभी के राजनीतिक माहौल में इतना जरूर है कि बीजेपी की तमाम कोशिश के बावजूद बंगाल में विजय रथ ममता ने बीजेपी का रोका अकेले। फिर अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी किस कोशिश में लगी है? टीएमसी को आपत्ति कांग्रेस पर है या बीजेपी के विरोधी मोर्चे में कांग्रेस के नेतृत्व पर? इस सवाल की वजह है प्रशांत किशोर, ममता के चुनावी रणनीतिकार, जो ट्वीट करके लिखते हैं कि कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व एक विशेष व्यक्ति का ही दैवीय हक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 साल में अपने 90% चुनाव हार चुकी है। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। ये क्या है, ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं, इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सकती है। एट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है, वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसे व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। नेतृत्व बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में ही चलते आ रहे यूपीए को ही ममता बनर्जी की पार्टी नकार रही है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सुनिए। I've given you the facts that the UPA was formed for 2004 to 2014 for government. I've only stated the facts. So for the last 10 years, in fact, we're not talking in the last 1 year, in the last 10 years there has been no UPA. कपिल सिब्बल कहते हैं कि कांग्रेस के बिना यूपीए मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ही नहीं है, विपक्षी की एकता दिखाने का समय आ गया। क्या बात है, यह कांग्रेस यूपीए की आत्मा की शक्ति रखती है, क्या यूपीए का शरीर भी रह जाएगा? यह ममता पवार के साथ एक ऐसा बीजेपी विरोधी विपक्षी मोर्चा जन्म लेने वाला है जिसकी आत्मा कांग्रेस नहीं बल्कि ममता टीएमसी को बनाना चाहती है। दिल्ली से पॉलवी शाह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। ममता बनर्जी ने यूपीए के होने पर ही सवाल महाराष्ट्र में शरद पवार से मुलाकात के बाद उठाया। मुलाकात के दौरान शरद पवार के साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। अंदर क्या बात हुई इसको लेकर जानकारी हमें
अनुसार अभिषेक बनर्जी ने यह कहा है कि बीजेपी जेपी और कांग्रेस के बीच लोकसभा की 250 सीटों पर सीधी टक्कर होती है, जहां बीजेपी आसानी से बढ़त हासिल कर सकती है, यह अभिषेक बनर्जी ने कहा। तो इस पर ममता और शरद पवार ने सहमति भी जता दी। फिर ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा कि राहुल विदेश में रहकर यहाँ की राजनीति करते हैं। मतलब यह हुआ कि राहुल के नेतृत्व पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है, दावा है कि ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि यूपीओ को खत्म करके टीएमसी और एनसीपी मिलकर दोनों काम करें। एक और सुझाव ममता बनर्जी की तरफ से आया। मतलब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि उन क्षेत्रों में विस्तार हो जहाँ कांग्रेस अभी बीजेपी को रोकने में असफल हो रही है। जानकारी ये भी मिली है कि शरद पवार ने कहा, बिल्कुल इस तरह से शरद पवार ने कहा कि अभी भी कांग्रेस कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, अहम है, दावा है कि ममता ने शरद पवार से कहा कि यहाँ यानी कि महाराष्ट्र में आप और शिवसेना मिल जाइए, आप और शिवसेना मिलकर संभाल लो कांग्रेस के बिना। लेकिन शर्त यहाँ पर ममता ने रखी, जवाब में शरद पवार कुछ नहीं बोले, शांत रहे। तो अंत में ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा कि आप मार्गदर्शन करिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये जो बैठक हुई उसमें ये बातें निकलकर सामने आई। अब टीएमसी ये कहने में जुटी हुई है कि यूपीए तो सरकार बनाने के लिए 2004 में बना था, 10 साल पहले यूपीए खत्म हो चुका है, अब यूपीए की नहीं बल्कि एक नए विकल्प की जरूरत है। बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने वाली यूपीए की यह पहली तस्वीर है। पर वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत की मेहनत से यूपीए बना था। कांग्रेस की अगुवाई वाले सब के यूपीए में आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, एलजेपी, एमडीएमके, एआईएमआईएम, पीडीपी, आईयूएमएल, आरपीआई, आठवले समेत 14 दल जुटे थे। 2009 में दोबारा चुनाव यूपीए जीता तो टीएमसी भी मंत्रिमंडल में आ गई, ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। अब सवाल हो रहा है कि यूपीए कहां? तो बीजेपी को सत्ता से दूर रहने के लिए बने महागठबंधन का पूरा चक्र देखते हैं। यूपीए बनने के 2 साल में ही यानी 2006 में टीआरएस पहली पार्टी थी जिसने अपना रिश्ता अलग कर लिया। 2007 में वाइको की एमडीएमके ने यूपीए से अलग राह ले ली थी। 2008 में बड़ा झटका लगा था जब समर्थन देते 4 लेफ्ट दलों ने अपना हाथ यूपीए से खींच लिया था। 2008 में तब यूपीए के संकटमोचक समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव बने थे। 2009 में पीडीपी और पीएमके राज्य में चुनावी चक्कर में अलग हो गए। 2009 में ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार फिर से बनी। 2009 में ही तब टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में नए साथी जुड़े। 2010 में यूपीए से लालू की आरजेडी ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में समर्थन वापस लिया था। 2012 में फिर यूपीए की सरकार से ममता की टीएमसी और डीएमके दोनों ने हाथ खींचे। 2012 में एआईएमआईएम भी यूपीए से अलग हो गए। 2014 में बुरी तरह हारी कांग्रेस के नेता पहले लगातार बीजेपी में जाते रहे। अब बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कई राज्यों से टीएमसी लगातार कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस मुक्त करके टीएमसी युक्त कर रही है। हवेली आई कैसे गाँव पर हवेली की दुरुस्ती करने की चक्कर आई
चिट्ठी तो घर में खरीद सकते हैं किसका कभी आगे की राजनीतिक दस्तक यूपीए को लेकर क्या? जानकार जवाब में कहते हैं कि पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने दीजिए, कांग्रेस अगर पंजाब की सत्ता बचा लेती है, गोवा या उत्तराखंड में सफल हो जाती है, तो आज कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली राजनीति पूरा घूम जाएगी। दिल्ली से पॉली मिसहा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बिहार में अब अंधेर नगरी की कहानी देखकर आपको दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि जहां एक डॉक्टर एक दिन में सिर्फ 12 लोगों का मुस्तबिल ऑपरेशन कर सकता है, वहीं एक डॉक्टर से 65 लोगों का लापरवाही भरा ऑपरेशन करा देने का आरोप है। वो रोशनी देने आए लेकिन अब क्या मिला? हाँ जी, आँख निकालना पड़ेगा जी, नहीं तो आँख में से मोती भर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, तो मर जाएगा। सोचा था दुनिया देख पाएंगे, आप निकलवानी पड़ गई। आँख से पानी के गिरा, फिर वहाँ से पल होकर के आए हॉस्पिटल में, दवाई दिए, देख करके दवाई चला, उससे कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पटना रेफर किए, बोल रहे हैं कि इंफेक्शन फैल गया, हो सकता है दूसरे आँख में भी हो सकता है, आँख निकलवाना हो। आंसू पहले आँखें खराब की, फिर दर दर भटकाया, धीरे धीरे उनकी आँख से पता शुरू हो गया, तो बोला कि 3 दिन निराप रखिए, तीसरे दिन आइए तो बेसिक